वेलकम बैक टू माय रिपेयर 24s.com। मैं इस्माइल शेख, इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंसेस रिपेयर सर्विस इंजीनियर्स। आज हमें आपके उन सवालों का जवाब देना है कि क्या माइक्रोवेव के अंदर हम एल्युमिनियम फॉइल्स को या कि होटल से आए हुए ऐसे एल्युमिनियम पैकेट्स जो होते हैं, क्या हम उनको माइक्रोवेव के अंदर यूज़ कर सकते हैं? तो हमारा जो जवाब है कि यस, आप माइक्रोवेव के अंदर कोई भी ऐसे एल्युमिनियम पैकेट्स जो होटल से आए हुए होते हैं या कि कोई भी ऐसे फूड जो हम अक्सर घर पे किसी एल्युमिनियम फॉइल से हम उसको रैप करके इस तरह से रखते हैं कि हमारा फूड काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहे और ख़राब ना होने आए, या कि फूड के अंदर का जो मॉइस्चर होता है, जो ह्यूमिडिटी होती है, वो बाहर लीक ना हो जाए जिससे कि हमारे फूड जल्दी ड्राई हो जाते हैं। हम एल्युमिनियम फॉइल से इसको रैप करके रखते हैं, टॉप साइड से हम इसको कवर करके रखते हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही एल्युमिनियम फॉइल के अंदर कवर किया हुआ हमारा जो कंटेनर्स है, हम उसको माइक्रोवेव के अंदर रख करके उसको रीहीट कर सकें। ये एल्युमिनियम फॉइल धातु से ही बने होते हैं, लेकिन सोचने की बात है कि ये एल्युमिनियम फॉइल बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी एल्युमिनियम से बने हुए होते हैं, जो काफ़ी साइज़ में बड़े रहते हैं, और इनको जब हम माइक्रोवेव के अंदर यूज़ करते हैं तो कभी कभी स्पार्क होता है। लेकिन क्यों होता है, हम आपको सबसे पहले तो ये एक्सप्लेन कर देना चाहूँगा कि जब हम माइक्रोवेव के अंदर किसी भी धातु के बर्तन को, चाहे स्टील का बर्तन हो गया, एल्युमिनियम का बर्तन होगा, अगर हम ऐसे बर्तनों को माइक्रोवेव के अंदर यूज़ करते हैं तो सीधी सी बात है कि कोई भी मेटल या धातु नेगेटिव करंट चार्ज होता है, जिसे हम माइनस करंट भी कहते हैं, और माइक्रोवेव के अंदर जो मेन पार्ट होता है जो हीट को क्रिएट करता है, जिसको हम मैग्नेट्रॉन कहते हैं, ये मैग्नेट्रॉन हाई फ्रिक्वेंसी को क्रिएट करता है, यानी 2450 मेगाहर्ट्ज़, 2450 मेगाहर्ट्ज़ की रेडिएशन को जब ये क्रिएट करता है, तो इसके अंदर से आने वाली रेडिएशन जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के आभास होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहते हैं, और किसी भी बर्तन के अंदर, मेटलिक बर्तन के अंदर जो नेगेटिव करंट होता है, तो ये नेगेटिव करंट और उससे आने वाला प्लस करंट जब आपस में शॉर्ट होते हैं तो स्पार्किंग होती है। तो इसी से हमें बचाने के लिए हम चाहते हैं कि हम डरते भी हैं कि माइक्रोवेव के अंदर एल्युमिनियम फॉइल को यूज़ करें या ना यूज़ करें, और कभी कभी जब हम एल्युमिनियम फॉइल को यूज़ करते हैं माइक्रोवेव के अंदर, या कि ऐसे जो पैकेट्स होते हैं होटल से आए हुए, अक्सर पैकेट्स होते हैं, हम चाहते हैं कि इनको डायरेक्ट ऐसे ही कंडीशन में रख करके इसको हम रीहीटिंग कर लें, तो रीहीटिंग के टाइम पे अक्सर स्पार्किंग कहाँ से होती है, हम वो भी आपको बताना चाहूँगा। इस एल्युमिनियम फॉइल पैकेट्स के अंदर स्पार्किंग होने का रीज़न है कि जब हम माइक्रोवेव के अंदर इस पैकेट को डालते हैं तो इनकी कंडीशन का सही ना होना, अक्सर ये टेढ़े मेढ़े रहेंगे या कि इनमें चुंगड़न रहती है, सिकुड़न रहती है, जिनको हम श्रिंकनेस कहते हैं। अगर ये श्रिंक हो गए हैं या टेढ़े मेढ़े हुए हैं या कि ऐसा कंडीशन में नहीं है, कुछ ऐसा उठे हुए हैं, तो अक्सर ये स्पार्क क्यों करते हैं, इसलिए कि माइक्रोवेव के अंदर से जो रेस आती है, जो वेव होती है, वो फ्रिक्वेंसी ही होती है, जो किसी भी रेडिएशन, किसी भी फ्रिक्वेंसी का अट्रैक्शन बनाने के लिए, ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी भी रेडिएशन को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह से इस डिज़ाइन में बनाए जाते हैं, इनको हम एंटेना ही कहते हैं। तो वैसे ही माइक्रोवेव के अंदर मैग्नेट्रॉन जो रेस को क्रिएट करता है वो हाई फ्रिक्वेंसी होती है, वो किसी भी एंटेने को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे माइक्रोवेव के अंदर रखा हुआ फूड के अंदर ये एल्युमिनियम फॉइल अगर कहीं से भी ऐसे कुछ उठे हुए हैं ऐसे एंटेने के जैसे, तो ये इस जगह पे ही स्पार्क होते हैं, बल्कि इस प्लेन जगह पर स्पार्क नहीं होते हैं, जहाँ पे कि इनके सेप इस तरह से अच्छे बने होते हैं। तो हमें आपको यही बताना था कि जब भी आप माइक्रोवेव के अंदर आप एल्युमिनियम फॉइल को यूज़ करते हैं अपने फूड कंटेनर के ऊपर, तो आप इनको बहुत शेप में लगाइए, आपके फूड के ऊपर ऐसा पैक करने के बाद में आप इनको प्रॉपर सब तरफ से ऐसा रैप करिए कि ये कहीं से भी एंटेने के जैसा, जैसे कि इस तरह हमने छोड़ा हुआ है, ऐसे ये स्पार्क करेंगे। अगर माइक्रोवेव के अंदर मैं इसको रखूंगा तो यहाँ से स्पार्क करेगा, इसलिए आप इसको भी कैची से उड़ा दो इस तरह से, या कि हाथ से इसको नोच के निकाल दो। ऐसे में जब आप माइक्रोवेव के अंदर आप इसको रखते हैं तो हम इसको, आप देखेंगे कि इसको रीहीट करके मैं दिखाता हूँ, हम 30 सेकेंड के लिए सिर्फ एक डेमो दिखाएंगे, स्टार्ट ले चुका है, ये स्पार्क नहीं करेगा। आपका फूड कितनी देर तक भी आप उसको गर्म कर सकते हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि ये कंटेनर ऊपर की तरफ से हमने एल्युमिनियम फॉइल को कवर किया हुआ है। अक्सर
एल्युमिनियम फॉइल के अंदर से या किसी भी धातु या मेटल से बना हुआ फॉइल होएगा तो उसके अंदर से रेडिएशन वेव्स प्रॉपर फूड के अंदर नहीं पहुंच पाते हैं, वे रिफ्लेक्ट होते रहते हैं किसी और दूसरे डायरेक्शन में। तो ऐसे में आपको चाहिए कि ये अगर ग्लास का या प्लास्टिक का बना हुआ है जिससे माइक्रोवेव रेस इस साइड से नीचे से जा सकती है, ऐसे में आप टॉप साइड से इसको कवर करके रखिए, इसलिए कि उनको फूड के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स में ही वो बिजी हो जाते हैं, इसलिए इसके ऊपर वाले भाग को वो बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होंगे। अब हम आपको दूसरा एक्सप्लेन करना चाहूँगा इस पैकेट के बारे में, जो होटल से आया हुआ एल्युमिनियम का पैकेट, इसमें आप देख सकते हैं टॉप साइड में इसमें एक पेपर से बना हुआ एक कवर है, इसमें डाला हुआ है जो एल्युमिनियम फॉइल नहीं है। ये जो फूड पैकेट का जो कवर है आप देख रहे हैं एल्युमिनियम के जैसा एक तरफ से चमकता है, दूसरी तरफ से पेपर दिखता है। ये क्या होता है, इस पेपर के ऊपर, इस मोटे पेपर के ऊपर पतली पॉलीथीन जो प्लास्टिक होती है उसकी एक लेयर होती है और उसके ऊपर एक मेटलिक एल्युमिनियम का एक स्प्रे होता है। उसके नीचे जो पॉलीथीन का जो एक पतली लेयर है वो उसको जलने में बहुत हेल्प करती है। ऊपर वाला तो ये स्प्रे जो मेटलिक है ये तो जलेगा ही, लेकिन इसके अंदर जो पॉलीथीन का जो लेयर है वो इसको जलने में बहुत ही ज़्यादा उसको मतलब ये करता है, बहुत हेल्प करता है। तो ऐसे में कभी भी आप अंदर जो फूड है इसको आप रीहीटिंग के टाइम पे हमेशा आप सबसे पहले इसके ऊपर जो लगा हुआ जो कवर है, फूड के ऊपर जो लगा हुआ जो कवर रहता है, आप इसको हमेशा हटा के सीधा आप यूं रखिए इसको। आप ऐसे रखेंगे आराम से आप खूब अच्छा अपने फूड को रीहीट कर सकते हैं। हमने स्टार्ट किया हुआ है वो वर्किंग है, ये स्पार्क नहीं करेगा। कि माइक्रोवेव के अंदर आप जब भी एल्युमिनियम फॉइल या एल्युमिनियम पेपर से बने हुए जो कंटेनर्स हैं या कि पैकेट्स हैं, आप कभी भी उनके कवर्स को निकाल के साइड में रख दीजिए और माइक्रोवेव के अंदर रीहीट करिए। और कभी भी आपके पैकेट के अंदर फूड भरे होने चाहिए, अगर इनके अंदर फूड भरा हुआ नहीं रहेगा, आप ये देख रहे हैं ये खाली यूटेंसिल्स है, आप इसको जब इसके अंदर रखेंगे माइक्रोवेव के अंदर तो ये जरूर स्पार्क करेगा, इसलिए कि उनको फूड मॉलिक्यूल्स नहीं मिलेंगे। जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल रहते हैं माइक्रोवेव की रेज वहाँ पर बिजी हो जाती है और उसी थिंग्स को वो हीट करता है। हम एक डेमो ऐसे भी दिखाना चाहते हैं कि कोई भी खाली पैकेट्स एल्युमिनियम का अगर हम इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा है, सेफ में सही नहीं है, अगर हम इस तरह से इसको रखना चाहते हैं जो टेढ़े मेढ़े हैं, जगह जगह से एंटेने जैसा ये बने हुए हैं, इनकी डिज़ाइन बिल्कुल सेफ में नहीं है और ये खाली हैं, अगर हम इनको माइक्रोवेव के अंदर अगर मैं रखता हूँ तो आप देख सकते हैं वो खाली है, तो सीधी सी बात है वो जरूर स्टार्ट करेगा, वो जरूर स्पार्क करेगा। हम टाइम को क्लियर करके हम इसको 30 सेकंड के लिए ऑन किया हुआ है, वो जरूर स्पार्क करेंगे। आप देख सकते हैं उनके अंदर खाली रखे हुए हैं, हम इनको हमने होल्ड कर लिया है। तो इस कंटेनर के ऊपर कवर किया हुआ एल्युमिनियम फॉइल आप यूज़ कर सकते हैं कि इसमें रेस साइड से जाने के चांसेस होते हैं, तो आप इसको ऐसे यूज़ करिए। और जब आपके फूड पैकेट्स मार्केट से आते हैं तो आप सबसे पहले उनके फूड के पैकेट्स को हटा दीजिए, फिर आप माइक्रोवेव के अंदर रीहीट करिए, स्पार्किंग नहीं होगी। और भी अगर आपके कुछ सवाल हैं, कुछ आपके कमेंट्स हैं, तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, हम उसका जवाब एक राइट जवाब देने की कोशिश करेंगे। और माइक्रोवेव में फूड को कैसे कुक करना चाहिए, कैसे रिपेयर करना चाहिए माइक्रोवेव को, कैसे उसको केयर करना चाहिए, तो डियर्स मिलते हैं हम आपको एक गुड गाइडेंस वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स अ लॉट।